Greetings everybody, we are the students of Norske Public School, Competitive Cell. Today, we are going to survey our local citizens of our cities and going to ask them about their opinions on the upcoming elections of state legislative on 25th November 2023 in the state of Rajasthan. हम नौसगे पब्लिक स्कूल से आए हैं और आपको पता ही है परसों इलेक्शन है, तो हम उसके बारे में बेसिक सवाल जवाब करना चाहते हैं। क्या आप वोट डालने जाएंगे? हाँ जी जरूर। आप भी? हाँ जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, इस बार निर्दलीय जो खड़े हुए हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, या जो पार्टी टिकट से खड़े हुए हैं वो ज़्यादा पावरफुल? ये पार्टी टिकट वाले भी और निर्दलीय वाले दोनों की टक्कर बराबर चल रही है अभी तक, पर आपको जो बेटर लगता है उसको हम वोट करेंगे। आपको क्या लगता है आपके शहर में किन मुद्दों को सॉल्व करा जा सकता है? बीजेपी के तौर पे तो ये बता रहे हैं कि नशा मुक्त करेंगे, और बीजेपी और ये चांडक परिवार वाले ये भी एक अच्छा कर रहे हैं, और बीजेपी भी अपने तरफ अच्छा कर रही है, कांग्रेस का अभी तक इतना पता नहीं चला जी। आप एक आम आदमी की तरफ से क्या चाहते हैं कि आपके शहर में क्या सुधार हो? बस ठीक है, शिक्षा अच्छी और हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, और जो भी समस्या है छोटी मोटी वो उनको यानी कि ध्यान। हम लोग मोस्के स्कूल से और हम इलेक्शंस के बारे में एक सर्वे करना चाहेंगे, तो क्या आप इस बार वोट दोगे? हाँ जी। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग चल रही है इस बार? हम वो तो पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंड करता है, सबके अपने अपने कैंडिडेट्स की अपनी स्ट्रेंथ है, चांडक जी भी अच्छा कर रहे हैं, बिहानी जी भी अच्छा कर रहे हैं, तो जिसकी किस्मत कल हुई वो जीत जाएगा। आप किस बेसिस पे वोट डाल रहे हो, मतलब आप जिसको भी दोगे किस बेसिस पे दोगे? मैं ये देखूंगा कि वो उस पार्टी ने पिछले सालों में क्या काम किया है, अगर उसने काम किया है, या उसके मैनिफेस्टो में क्या उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, एंड इफ दे आर रियली अचीवेबल, या फिर जस्ट उन्होंने ऐसे बोलने के लिए बोल दिया है। आपको क्या लगता है, यहाँ के लोग ज़्यादातर मतलब पैसों और अल्कोहल के लिए मतलब पार्टीज़ को वोट देते हैं, मतलब मनी इन्फ्लुएंस जो होते हैं, या फिर अपने राइट्स के लिए? मैम, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी लोगों में उतना ये सब कम रहेगा, तो आई गेस लोगों को ये सब अवॉइड करना चाहिए अगर वो कर रहे हैं तो, मुझे इसमें आइडिया नहीं है। अभी जो दो दिन बाद जो इलेक्शन होंगे इनमें आप किन आपको क्या लगता है अभी कौन सी पार्टी ज़्यादा फेवरेबल है? देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है आसपास में बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है इस बार यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने देख लिया है, और यहाँ का थोड़ा हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि 5 साल कांग्रेस रहती है और 5 साल बीजेपी रहती है, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी का ज़्यादा दबदबा है। और आपको अगली बार ऐसा लग रहा है कि जो इंडिपेंडेंट पार्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? जी ऐसा, हाँ, यहाँ के जो लोकल हैं आई थिंक जो वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं तो उनका भी दबदबा ज़्यादा है यहाँ पे, सही कह रहे हो आप, मतलब उनके भी लोग काफ़ी उनको पसंद कर रहे हैं, तो हो सकता है वो काफ़ी मतलब वोटों को उलटफेर कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी गंगानगर में जनता है जो वो पैसे देने के बाद वोट करती है? नहीं, अवेयर हो गए हैं लोग, मेरे हिसाब से लोग अवेयर हो गए हैं, अब लोगों को पता है कि 5 साल हमने मतलब अपने वेस्ट नहीं करने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोग पैसों के वो देख के वोट देते हैं। और आपको क्या लगता है भी जनता किस बेस पे वोट दे, और मतलब क्या दिक्कतें गंगानगर की जो सही होनी चाहिए इस बार? देखो, विकास के नाम पे ही वोट चलेगा, डेवलपमेंट के नाम, किस टाइप का विकास? हर तरह का विकास, जैसे हमने देखा भी है गंगानगर में हुआ भी है विकास, लोग और विकास चाहते हैं, हम लोगों को दिखने लग गया है, चेहरा दिखने लग गया, अब लोगों को लूप होल भी पता लग गया है कि हाँ पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, ऐसी हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि लोग विकास के नाम पे ही वोट देंगे। वोट डालोगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी जिनको आप वोट डालोगे? सबसे पहले सफाई की, जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, और जो हमारी सड़कें हैं उनका हाल जैसा है उसके लिए, और एक लड़कियों की सेफ्टी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे मतलब आजकल देख रहे हैं कि पैसों का बहुत चल रहा है, पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है गंगानगर की जनता पैसों से वोट देगी या फिर मुद्दे देख के वोट देगी? पैसे देकर, मुद्दे को ही नहीं देखता। आपको ऐसा क्यों लगता है? सब लोग पार्टी को देख के वोट देते, कोई इंसान तो देखते नहीं है कि कैसा इंसान है, इंसान को देख के यहाँ पर कोई वोट नहीं देता। तो आपको बेसिकली लग रहा है कि पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है निर्दलीय से? हाँ। आपके हिसाब से किसी को भी अगर वोट देता आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि आपके शहर में क्या डेवलपमेंट है? मैं तो गंगानगर से नशा मुक्त करवा देंगे, ठीक है, वो सड़कें जो हैं, पानी अपने बारिश का पानी गंगानगर में भर जाता है उसका कुछ वो करवा देंगे, ये जो छोटी मोटी चीज़ें ये सही करवा देंगे। सर, क्या मैं जान सकती हूँ आप किसे वोट देना चाहते हैं? किस मुद्दे पर आप उनको वोट करना पसंद करेंगे? बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, तो बीजेपी, नरेंद्र मोदी बेस्ट है मैम पीएम, तो उसको लाइक करते हैं बीजेपी को। अच्छा, आपके हिसाब से मोदी जी ने जो भी काम कराया वो आपके फेवर में जैसा आप चाहते हैं? यस मैम, यस राइट।
आपको मतलब किस मुद्दे के हिसाब से आप वोट देना चाहेंगे? क्लीन होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। बड़े सिटीज में ना हो गई तो वहाँ पे देखिए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और इतना मीन्स डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उतना श्रीगंगानगर में हुआ नहीं है जितना होना चाहिए डेवलपमेंट। और जैसे कई बार लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने कैंडिडेट से खुश नहीं होते तो वो वोट ना देना ज़्यादा कंसिडर करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम नोटा पे वोट दें तो हमारे पास री इलेक्शन का चांस है, हमारे पास वो पावर है, बट उसकी जगह पे वो वोट ना देना कंसिडर करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या वो सही है या फिर? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर हम वोट नहीं दे के एक गलत पार्टी को चूज़ कर रहे हैं, है ना, जबकि हम वोट दे के एक सही पार्टी को चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे मेरे हिसाब से वोट देने चाहिए सबको। तो और आपको क्या लगता है कि गंगानगर की जो पब्लिक है उनमें वो किस बेसिस पे वोट करती है, या पैसे पे या फिर उनकी नेसेसरी चीज़ों के बेसिस पे या फिर मुद्दे देखकर? मुद्दे देखकर तो बिल्कुल नहीं करते, उनके रिलेशंस, मैं तो मोस्टली देखती हूँ कि रिलेशंस के ऊपर ही होते हैं कि भाई ये हमारी कास्ट के हैं तो इनको ही देना है और ये जैसे हमारे पड़ोसी हैं तो इनको। 25th को तो आपको क्या लगता है क्या माहौल है, कौन जीतेगा और क्या बनेगा आपकी बार? देखो माहौल के हिसाब से तो ये लग रहा है कि अरुणा चांडक जी के वो ज़्यादा पलड़ा भारी लग रहा है। नहीं अरुणा तो, या करुणा? करुण नहीं नहीं अशोक चांडक जी की जो वाइफ हाँ है जी, हाँ जी उनका वो लग रहा है, क्योंकि वो काम भी करवा रहे हैं, गरीबों के भी हक में वो कर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने आगे भी काम करवाया है, तो इसलिए उम्मीद तो उन्हीं की लग रही है। तो आप क्या वोट देने जा रहे हैं? गंगानगर में सफाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पानी बिजली की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अपने को यही चाहिए स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। आपको भी लगता है ये आपकी जो उम्मीदें कौन उम्मीदों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नेता जब चुना जाता है ना उसके बाद कोई पता नहीं क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। आप किसको वोट तो अपने जाते खोली इसके लिए तो कुछ नहीं बता सकते। तो आप किस बेसिस पे अपना वोट डालोगे अगर किसी को भी दोगे? बेसिस पॉलिटिकल पार्टीज, वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा होता है वो तो मेन तो जो पावर होती है, पर वैसे अगर अपने रियल लाइफ में यही चीज़ है कि हाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है हर जगह, पर अगर अपने वैसे अगर अपने प्रैक्टिकली देखें तो मेन तो अगर मुद्दे होने चाहिए कि प्रॉपर सैनिटेशन हो, प्रॉपर वाटर सप्लाई, हर एक चीज़ और प्रॉपर फैसिलिटीज सबको अवेलेबल की जाएँ, और मेरे हिसाब से ये अवेलेबल एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही कर सकता है जिसके पास पैसा हो, पावर हो, जो केपेबल हो सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए। आपको क्या लगता है गंगानगर के लोग पैसों के बेसिस पे वोट डालते हैं या फिर वो लोग राइट्स देखते हैं? सी राइट्स आजकल जैसे अब हम जैसे एजुकेटेड लोग हैं उनको राइट्स की समझ है, पर कितने ही अब जैसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं वो सिर्फ ये कि वो कई बार सोचते हैं कि हाँ हम पैसे दे के वोट डाल देते हैं, और कई बार होता भी है ऐसा और वोट बिकते भी हैं, कई बार होता है ऐसा, पर हम जैसे एजुकेटेड हैं हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें अपना वोट नहीं बेचना चाहिए, ये हमारा राइट है और हमें खुद के हिसाब से कौन हमें सही लगता है, कौन हमें से फैसिलिटीज हमें पूरी प्रोवाइड कर सकता है, हमें राइट्स दे सकता है हमारे, हमें उसी को वोट देना चाहिए। टारगेट कर रहे हैं कैंडिडेट्स कांग्रेस को, टारगेट कर रहे हैं हम तो। अच्छा और क्यों जी? क्योंकि ये जो 7 गारंटियां दे रहे हैं वो सरकार, उस हिसाब से हम वोट गिरेंगे। क्या आपको लगता है इस बार भी जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो पैसों के बेसिस पे आएंगे या मुद्दों के बेसिस पे? मुद्दों के बेसिस पे आएंगे। और आपको क्या लगता है कि इस बार जो पावरफुल कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज? जो निर्दलीय है ना वो ज़्यादा वो लग रहा है, वो पार्टी में जो निर्दलीय है वो भारी मतों से जीतेगा वोट, पार्टी को मान लो घट मिलेंगे वोट। किसके सपोर्ट से और किसको जो आपके मुद्दे से सॉल्व कर सकते हैं आप किसकी तरफ से? जनता पार्टी को वोट देंगे और वही हमारे आगे आती है, काम आते हैं उन जो उनके प्रत्याशी है ना वही हमारे आगे काम आते हैं। आपके ऐसे कैसे मतलब मुद्दे हैं जो वो सॉल्व कर सकते हैं? वो हर काम में हमारे आगे आते हैं, जो हमारे वार्ड के एक मेंबर है उनकी उनसे अच्छी बनती है, वो हमारे सारे काम उनसे करते हैं। तो आप उनसे क्या चाहते हैं कि वो गंगानगर में कौन कौन से फैसिलिटीज़ लेंगे? सब कुछ अच्छा हो कि सारे रोड वगैरह अच्छी बन जाए, अच्छी यहाँ पे एजुकेशन हो, सब कुछ अच्छे से, बस गुंडागर्दी ऐसा कुछ ना हो।
ठीक है, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका मतलब क्या पॉइंट है गंगानगर से रिलेटेड कि यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज नहीं है अभी जो पिछले MLA ने किया है या जो भी है, मतलब गंगानगर को और किन किन चीज़ों की अभी ज़रूरत है? कुछ भी गलियाँ बढ़िया तो होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट लेकिन अब देखेंगे तो पता लगेगा, बाकी हम बीजेपी हैं। We get to know about the problems they are facing and they expect the upcoming government to solve them. The problems are such as traffic management, crime management, drainage and sewerage problem, proper education, excessive intake of drugs by youth, and awareness of importance of education and election. Now we request you all to go to your nearest voting booth and cast your vote, because your vote is very precious. As a voter, you have responsibility for electing your representative, and that representative will work for the development of our city, Sri Ganganagar. So in the end, we are very obliged to be a part of competitive cell, and especially grateful to respective MD sir and our teachers for providing us this golden opportunity. We got together a lot of information of different perspectives of different citizens of our city. Thank you.